लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी, एक इग्निशन आता है, कैन हाई कैन लो, उसके बाद जो है इम्पैक्ट सेंसर का रहेगा, सीट बेल्ट का रहेगा, ये सिर्फ गाइस आई एम ओजिल, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सो आज के वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर, जिसको SRS भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है फंक्शन किस तरह होता है, किस तरह काम करता है, इसके कंट्रोल मॉड्यूल क्या डाटा लेता है और कैसे कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग जो है आगे चल के जो है इसके सर्किट के ऊपर बात करेंगे। तो इसका पहले जो होता है कि वायरिंग समझ लेना ही बहुत बेटर होता है। तो चलिए मैं जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या इस मॉड्यूल की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो है, हम लोग जैसा ही इग्निशन ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो है हमारा 12 वोल्टेज सप्लाई आएगा। ये हमारा इग्निशन स्विच है, इसको मैं IG लिखूंगा, इग्निशन स्विच होता है। जैसा ही इसके ऊपर जो है मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ, उसी टाइम जो है यहाँ पर 12 वोल्टेज इनपुट होता है। और 12 वोल्टेज इनपुट से पहले जो है एक पिन में जो है इसका परमानेंट जो है ग्राउंड होता है, एक में जो है ग्राउंड होता है, और दो पिन जो होता है ये कैन लाइन कम्युनिकेशन का रहता है, जो हर एक मॉड्यूल से अटैच रहता है, हर एक मॉड्यूल से जो है बातचीत करते रहता है, जैसा कि ABS हो गया, ECM हो गया, PCM हो गया, ठीक है। उसके बाद रेडियो कंट्रोल मॉड्यूल, जो भी कंट्रोल मॉड्यूल्स है सबसे जो है कैन से एक दूसरे के वाया जो है इन लोग नेटवर्क के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे की डाटा की ज़रूरत पड़ती है, जैसा एयरबैग है तो एयरबैग को जो है व्हीकल स्पीड की डाटा पड़ती है, तो वो डाटा जो है किससे लेगा, तो वो डाटा जो है हमारे ABS से लेगा। तो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है, जैसे हम लोग भी है तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दूसरे के बिना जो है काम नहीं चलता है। उस तरीके से जो है गाड़ी में के अंदर भी होता है कि एक दूसरे की जो है ज़रूरत पड़ते रहती है। तो सबसे पहला जो है हम लोग जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हम लोग को दिखता है दो सीट बेल्ट, एक ड्राइवर सीट बेल्ट, एक को ड्राइवर सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट और को ड्राइवर सीट बेल्ट का जो है मैं एक यहाँ से ले लूँगा, जो एक इसका सीट बेल्ट का जो है ये स्विच आता है इस तरीके से रहता है। इसका दूसरा साइड क्या होता है, ग्राउंड से अटैच्ड होता है। क्या होता है, दूसरा साइड जो है हमारा ग्राउंड से अटैच होता है, जैसा ये हमारा एयरबैग का सीट बेल्ट का स्विच है, जैसा ही हम लोग फंसाते हैं तो ये ग्राउंड जो है यहाँ एयरबैग के मॉड्यूल को पता चल जाता है कि हाँ मेरा जो सीट बेल्ट है वो अटैच हो चुका है सीट बेल्ट मॉड्यूल। तो ये वाला जो हो गया हमारा, ये ड्राइवर साइड का हो गया, और ये वाला जो हो गया हमारा को ड्राइवर साइड, ये ड्राइवर साइड हो गया, ये को ड्राइवर साइड हो गया, और एक बैक साइड जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर साइड। तो एक और जो होता है वो बैक साइड, वो पैसेंजर साइड का कंट्रोल ड्राइव का सीट बेल्ट का रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर सीट बेल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर सीट बेल्ट का स्विच, जो है वहाँ से ग्राउंड इनपुट लेता है, ठीक है। इसके बाद क्रैश जो होता है, क्रैश सेंसर होता है, क्रैश सेंसर जो है फ्रंट क्रैश सेंसर होता है, फिर जो है रेयर होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। तो सबको जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है आपको क्रैश सेंसर जो है मैं इस हिसाब से जो है चारों तरफ से मैं शो करूँगा। जैसा कि एक क्रैक सेंसर जो है मैं लेफ्ट साइड से दे दिया आपको, दो वायर वाला होता है क्रैश सेंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैश सेंसर, ठीक है। फिर एक इधर से दे दिया, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फीचर्स प्रोवाइड किया है। एक यहाँ पे हो गया क्रैश सेंसर, जो इम्पैक्ट, इसको इम्पैक्ट सेंसर भी बोलते हैं, कि कितना इम्पैक्ट से जो है किधर से ठोकर खा रही है। तो गाड़ी के चारों तरफ होता है, ये डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, तो इसको जो है हम लोग इम्पैक्ट सेंसर भी बोलते हैं, इम्पैक्ट सेंसर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इम्पैक्ट सेंसर भी बोलते हैं।
तो ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सी कंपनी जो है कितना फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, कितना एयरबैग प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब जो हो गया हमारा, ये इम्पैक्ट सेंसर हो गया। इतने सारे इम्पैक्ट सेंसर होता है, जैसा कि लेफ्ट ड्राइवर साइड, को पैसेंजर साइड, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर, हर जगह जो है ये होता है। और इसका एयरबैग का मॉड्यूल, जो एयरबैग का जो मॉड्यूल होता है वो भी जो है अटैच रहता है। तो एयरबैग का मॉड्यूल जो है, जैसा कि मैं एयरबैग के मॉड्यूल को जो है मैं किससे, ये ब्लैक से नहीं, मैं रेड से शो करता हूँ एयरबैग का मॉड्यूल को। तो एयरबैग का अगर मॉड्यूल की बात करें तो दो वायर होता है। तो ये एयरबैग का मॉड्यूल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एयरबैग, एयरबैग AB, एयरबैग मॉड्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्राइवर साइड। एक और मैं अगर मैं ले लूं, एयरबैग मॉड्यूल, ये हो गया को ड्राइवर साइड, ठीक है। और एक और ले लूं मैं, तो ये हो गया ड्राइवर राइट साइड। फिर उसके बाद जो है ये हो गया को ड्राइवर राइट साइड। को ड्राइवर ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड को ड्राइवर, लेफ्ट साइड को ड्राइवर, राइट साइड। तो इतने सारे जो है मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर। जितनी गाड़ी में अपडेट रहेगी, जितनी ज़्यादा फीचर्स रहेगी, उतना ज़्यादा एयरबैग जो है ऐड होते रहता है। जैसा आम राइट आम आम पे होता है, सीट पे भी होता है एयरबैग, मतलब जितना जो भी लग्जरी गाड़ी लेंगे तो सबके अंदर यही होता है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी, एक इग्निशन आता है, कैन हाई कैन लो, उसके बाद जो है इम्पैक्ट सेंसर का रहेगा, सीट बेल्ट का रहेगा। ये सब जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सीट बेल्ट में भी एयरबैग आता है। टाटा की गाड़ी में ज़्यादातर मैंने देखा है कि सीट बेल्ट के अंदर भी एयरबैग आता है, जो सीट बेल्ट फट जाता है और सीट बेल्ट को जो टाइट कर देता है, वो आगे घसकने नहीं देता है। कोई कोई गाड़ी में जो है ऐसा खींचेंगे तो लॉक हो जाता है, लेकिन किसी में जो है एयरबैग फटने के बाद जो है वो फट ही जाता है वो। तो जैसा जैसा कंपनी फीचर्स ऐड करती है तो उस हिसाब से जो है एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स में वायर निकलते जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।